हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे आर्टिकल 15, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से है। आर्टिकल 15 की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। इट मीन्स कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। आपको यहाँ पे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ है, ये पाँच यहाँ पे बेसिस है जिसके ऊपर आपको किसी के साथ भी कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। कोई भी लोग यहाँ पे किसी को भी रोका नहीं जाएगा कि आप मेडिकल शॉप में दवा नहीं ले सकते हो, किसी को भी रोका नहीं जाएगा कि आप मॉल आकर शॉपिंग नहीं कर सकते। हर कोई यहाँ पे इक्वल है, हर किसी के साथ यहाँ पे एक जैसा स्वभाव किया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल 15 की, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। रखा गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, और यहाँ पे राज्य जो है किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट भी नहीं कर सकती है। हमारे देश में रहने वाले हर एक सिटीजन इक्वल है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी रेस से हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी कोई भी मेल या फीमेल हो, कहीं से भी उनका प्लेस ऑफ बर्थ है, ये मैटर नहीं करता। उनको एक्सेस टू शॉप है, पब्लिक रेस्टोरेंट है, होटल है, और पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए जितने भी प्लेसेस हैं वो वहाँ पे जा सकते हैं। इवन आप देखो कि जो वेल का पानी है वो यूज़ कर सकते हैं, टैंक यूज़ कर सकते हैं, बाथिंग घाट जो है वो सबको यूज़ कर सकते हैं, जो रोड बनाई जाती है वो सबके लिए है। तो ये सारी चीज़ें जो सरकार बनाती है, सरकार प्रोवाइड करती है, वो सबके लिए है। किसी को यहाँ पर जो है कहीं से भी रोका नहीं जा सकता। नो सिटीजन्स ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। उनको किसी भी तरीके के, चाहे वो डिसेबल हो, लाइबिलिटी हो, रिस्ट्रिक्शन हो, कंडीशंस हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होगी। ठीक है, तो इतनी ही हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 15 के तहत। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 15। मिलते हैं आर्टिकल 16 के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।